नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, घर की गरीबी, दरिद्रता या घर की जो नेगेटिविटी है, भूत प्रेत पिशाच, ये जो बाधाएं घर के अंदर होती हैं, घर के अंदर बार बार बीमारियों का आना, एक्सीडेंट का होना, इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए ये छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ। आप इसको लगातार 3 दिन करें। क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता रहा दोस्तों। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी का वास हो रहा है, नेगेटिविटी आपके घर से जा रही है, आपके घर में धन का आविर्भाव हो रहा है। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों, कपूर ऐसी चीज है जो तमाम देवी देवता उसका स्वीकार करते हैं। साक्षात शिव का स्वरूप है ये। इसमें भगवान नारायण का वास है, माता लक्ष्मी का वास है। कपूर आप जहां रख देंगे, नेगेटिविटी वहीं से भागती है। जिन लोगों को, जिनके शरीर में नेगेटिविटी का वास है, हमेशा कपूर की गोटी अपनी जेब में रखें। सोते समय कपूर की गोटी तकिए के नीचे रखें। कभी भी नेगेटिविटी आपका स्पर्श नहीं करेगी। और दोस्तों, लगातार 3 दिन आप एक काम करें। जैसे अभी आज संडे है, तो आप चाहे तो आज से करें या फिर जो भी दिन आपके लिए लकी हो उस दिन से करें। आज का दिन दोस्तों संडे का भी है और आज महालक्ष्मी योग है, मतलब ये 100 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ योग आया है। यदि आज के दिन से शुरुआत करेंगे दोस्तों, जन्मों जन्म घर का पैसा खत्म नहीं होगा। लिख ले इस चीज को। आपको करना क्या है, कपूर की गोटियां लेनी है और उसको सबसे पहले आपको उस जगह उस चीज पर जलाना है, उस बर्तन पर जिसमें आप दूध गर्म करते हैं, जिस पतीली में आप दूध गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं, ठीक है। चाय से भी पहले वो पतीली जिसमें आप दूध गर्म करते हो। दोस्तों, जैसे आपके घर का तवा, आपके घर के चकला बेलन, ये बहुत, इनके ऊपर दोस्तों बहुत ढेरों टोनों टोटके होते हैं और इनके ऊपर किए गए उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये इतने पावरफुली काम करते हैं। वैसे ही जिस बर्तन में आप दूध गर्म करते हैं, वो बर्तन आपकी सुख और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस बर्तन में आप दूध गर्म करते हैं, कभी उस बर्तन को पैर ना लगाएं, कभी उस बर्तन को नीचे नहीं, हमेशा ऊपर एक ऊंचे स्थान में रखें। दूध आप जिसमें गर्म करते हैं वो बर्तन थोड़ा वजनदार लें, ताकि आपका व्यक्तित्व भी वजनदार रहे, है ना। तो दोस्तों, दूध की पतीली को आप उल्टा करके रखें और उसके ऊपर कपूर की गोटी रख करके जलाएं और उसमें दूध या घी के छींटे लगा दें। और जब आप इस क्रिया को करते हैं, आप कंटिन्यू श्रीम 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 माता लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का जाप करते रहें। दूसरा दोस्तों, जहां पर भी आप धन रखते हैं, उस स्थान में यदि आपके पास चांदी का कोई छोटा मोटा बर्तन है, प्लेट है, तो उसमें रख करके कपूर जला दें और उसके ऊपर भी घी या दूध के छींटे लगाएं, क्योंकि ये जो आप छींटे लगाते हैं, ये आप भोग लगाते हैं माता लक्ष्मी को। कंटिन्यू श्रीम 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 बीज मंत्र का जाप करते रहें और धन स्थान में कपूर जलाएं। तीसरा, जो आपके घर की चौखट है वहां पर भी आप कपूर रखें और उसको जलाएं। चांदी की प्लेट है बहुत बढ़िया है, अन्यथा जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें आप कपूर रख करके जला दें और उस पर भी आप दूध या घी के छींटे लगाएं। ज्यादा नहीं दोस्तों, 3 दिन कंटिन्यू एक ही समय पर, जैसे आज आपने सुबह 7 बजे क्रिया की है, या फिर 10 बजे की है, दोपहर को 12 बजे की है, या फिर शाम को 8 बजे की है, 7 बजे की है, दूसरे दिन भी सेम टाइम ही करें। 3 दिन रेगुलर करें दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा इस क्रिया का फल कैसा है। यदि आपको फायदा होता है दोस्तों, तो इसको कंटिन्यू रखें। घर से कभी धन जाएगा ही नहीं, क्रिया करते ही दोस्तों आपको अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। करके देखिए क्या अनुभव होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो वो भी दोस्तों पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।